नेक्स्ट वाली कार्गो ना मेरे पास चार दिन पहले आई थी और मैंने उसे पहना और फिर मेरा उतारने का मन नहीं किया तो कारगोज ऑलरेडी होगी इनफैक्ट जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमारे वीडियोग्राफर साहब हैं उन्होंने वो कार्गोज पह... कार्गोज हर बॉडी टाइप के लिए सूटेबल होती है एंड दे लुक वेरी नास्किलिन टू पर आज भी लोग उसको सही से स्टाइल नहीं कर पा रहे एंड वी कन चेंज दैट इन दिस वीडियो कार्गोस का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो स्टाइलिश हो जाती हैं एंड दे आर ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल कार्गोस खरीदने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सी कार्गो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है फर्स्टली आई एम गोना टेल यू सम डूज एंड डोंट्स ये कारगो ज़्यादा से है और मेरी पर्सनल कलेक्शन से है बट आज की डेट में मैं इसको ज्यादा स्टाइल नहीं करता क्यों क्योंकि मैं इसमें छोटा लगता हूँ द रीजन इज द इलास्टिक दै द ब्रांड हैजन इज एक्चुअली वेरी बिग एंड सेकेंडली ये एंकल लेंथ तक जाती है जिसकी वजह से मेरी हाइट जो है ना वो पैडफॉल्ट छोटी लग जाती है तो इसको स्टाइल करने के लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर और टेक्निकल होना पड़ता है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट सम दैट नो बडी वॉन्ट्स टू डू सो यू नीड टू गो फॉर कार्गोज प्रेफरेबली विच हैव इ वेरी स्मॉल इलास्टिक्स और नो इलास्टिक्स एट ऑल अगर आपको अपनी हाइट छोटी नहीं दिखानी हाउ एवर अगर आप पाँच दस या उससे ऊपर हैं देन ऑल सॉर्ट ऑफ कार्गोज आर सुटेबल फील दिस कार्गो अगेन इज फ्रॉम माई पर्सनल कलेक्शन अगर आप इसको देखो दिस इज टिपिकली बैगी फिट विद ल लॉट ऑफ पॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा ना लूज और रिलेक्सड सी लगती है एंड इट्स अ वेरी हैवी वाइम ऑल टुगेदर नो इफ यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ कार्गो लाइक दिस विच इज अगेन वेरी ट्रेंडिंग एंड विच इज यूरो समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट इन दैट केस जो भी आपको अपर वेयर पहनना है जो भी आप टी शर्ट पहनोगे मेक श्योर sure कि वो ज़्यादा लूज फिट नहीं हो इंस्टेंट दैट शुड बी ईद अ फिट और अ स्लिम फिट कार्गोस के पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करती है कि एक कार्गो आपके ऊपर कैसी दिखने वाली है सो इफ़ यू हैव स्किनी लेग्स या फिर आपकी टांगे रिलेटिवली पतली है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उस केस में आपको ऐसी कारगोज़ लेनी है जिसमें हेवी पॉकेट्स हों हाउ एवर अगर आपकी ऑलरेडी टांगें थोड़ी हैवी हैं तो कार्गोज जिसमें हैवी पॉकेट्स होते ना वो आप अवॉइड कर सकते हैं दिस इज अगेन फ्रॉम माई पर्सनल कलेक्शन हमको ना लिंक दीज बट आई एम नॉट गोन स्टाइल डीज बिकॉज द सेवन सेक्सी कार्गोज दैट आई फाइंड माई पर्सनल फेवरेट आर राइट ओवे लास्टली आप जब भी कार्गोज़ पहन रहे हो मेक श्योर दैट यू डि नॉट वेयर देम ऑन लो वेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ लगती है उनका जो सिलाउट है वो ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है बिकॉज कार्गोज आर मेंट टू बी बॉर्न यूजली ऑन हाई वेस्ट बट आप उसको मिड राइज तक भी पहन सकते हैं आज की डेट मेरी वॉर्ड्रो में करीब 15 से 18 कार्गोज पड़ी हैं बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास दो से तीन कार्गोज भी हैं तो भी दे आर मोर देन इनव हाउ एवर आई हेव गॉट सेवन वेरी सेक्सी कार्गोज हुई यू इसमें से जो भी आपकी स्टाइल पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से जाए यू कैन ऑर्डर देम एक और चीज़ ध्यान रखना जो साइज़ है कार्गो का वो होना चाहिए आपकी जीन्स के साइज़ वाला नॉट चीनोज़ के साइज़ फॉर इंस्टेंस मेरी जीन्स में साइज़ आता है थर्टी बट मैं चीनोज वगैरह में प्रेफर करता हूँ थर्टी टू सो आई गो फॉर थर्टी ऑलवेज एंड नॉट थर्टी टू कार्गोज का ओरिजिनल मिलिट्री में हुआ था जब सोल्जर्स वॉर पर जाते थे तो उनके पास एक्स्ट्रा पॉकेट्स होने चाहिए ताकि वो ज़्यादा सामान कैरी कर सके नॉट द फर्स्ट वन विच इज़ माई करंट फेवरेट ऑल्सो गिट्स अ लॉर्ड ऑफ मिल्टी वाइब एंड इज़ वेरी सेक्सी

साथ में इसमें ना जो पॉकेट डिटेलिंग दे रखे है वो काफी ज्यादा अच्छी है यू कैन सी देयर इज अ डबल लेयर ऑफ पॉकेट्स दैट द ब्रांड हैज गिवन एंड नॉट जस्ट दैट इवन बॉटम वेयर पे अराउंड योर काफ मसल वहां पर भी एक इन्होंने uh, पॉकेट दे, दे रखी है जस्ट टू मेक इट लुक इवन मोर इंटरेस्टिंग नाउ इवन दो इसमें इतनी सारी पॉकेट्स दे रखी है आइडियली किसी भी कारको को ना बहुत ज़्यादा हैवी दिखना चाहिए बट द गुड पार्ट इज बिकॉज इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड इट हैज अ वेरी गुड फिट ये बहुत ज्यादा बल्कि नहीं लगती बट इन स्टेट गिव्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर टू योर ओवरऑल फिजिक इस वाली कार्गोज को मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे स्टाइल किया था एंड लॉट एंड लॉस ऑफ पीपल लव दुक सो इन केस यू वॉन्ट दोज रेगुलर आउटफिट आइडियाज एंड इंस्पिरोशन मेक श्योर कि आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो और वहाँ पे भी फॉलो कर लेना ना मैंने एक चीज कही थी कि जब लास्टिक नीचे का लंबा हो तो कार्गोज आपको यूजली छोटी दिखाती है बट गुड पार्ट अबाउट दिस वन इज क्योंकि ब्रांड ने कार्गोज की लेंथ फुल दे रखी है तो ये आपकी एंकल को कवर कर लेती है मोस्टली केसेज में नॉ इन दैट केस ये ज्यादा आपको ना छोटा दिखाएगी नहीं विच वॉज द केस विद माई ब्लैक जारा कार्गो ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर जरूर है बट दिस इज वन कार्गो दैट इज वेरी स्टाइलिश नॉट समथिंग दैट यू इजीली गेट एंड कैन बी स्टाइल्ड इन समर्स एंड विंटर्स बोथ ब्लैक कार्गोज एक तरीके से एक वॉड्रोप स्टेल बन चुका है विच इज माई सेकेंड कार्गो एंड एबसोल्यूटली लव

तो ये वाली जो कार्गो है ना उसको पैंट स्टाइल में बनाया हुआ है सो नीचे यहाँ पर उन्होंने वो नहीं दे रखा क्या कहते हैं उसको इलास्टिक बट साथ में अंदर से इसको एडजस्ट करने के लिए दे रखा है जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू टाइटन इट अप न बिकॉज इसमें नीचे इलास्टिक नहीं दे रखा तो गुड पार्ट इज इस टाइप की कारगोज को आप शर्ट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इजीली स्टाइल कर सकते हैं सो इफ यू हु वांट्स इज फर्स्ट कार्गो देन दिस इज द वन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर नेक्स्ट वाली कार्गो ना मेरे पास चार दिन पहले आई थी और मैंने उसे पहना और फिर मेरा उतारने का मन नहीं किया बिकॉज दैट इज हाउ ब्यूटिफुली इट फिट्स दैट इज हाउ रिलैक्सड इट इज एंड दैट इज हाउ स्टाइलिश इट लुक्स वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस वन नाउ आई एब्सोल्यूटली लव द कलर ऑफ इट डार्क ग्रे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है अगेन अ वेरी मैस्किलिन एंड अ मेच्योर वाइफ

इसको आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रीट स्टाइल वाइब में भी लेके जा सकते हो ऐसे टी शर्ट्स वगैरह के साथ और अगर आप इसके साथ शर्ट्स वगैरह पहनना चाहो तो वो भी पहन सकते हो विद अ पेयर ऑफ स्नीकर्स और इनफैक्ट यू कैन पेयर दीज अप विद बूट्स इवन दो नेक्स्ट कार्गो एक डिफरेंट ब्रांड की है बट ग्रे वाली कार्गो और उस कार्गो की स्टाइलिंग एब्सोल्यूटली सेम है द वंदर एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस ग्रीन कार्गो बहुत ही अच्छा मुझे ना इसका कलर लगा स्पेशली आई थिंक इट कॉम्प्लीमेंट्स द इंटायर समो वाई बलॉड क्योंकि ये लाइटर शेड पे है सो दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट नो डिजाइनिंग इसकी बिल्कुल ग्रे वाली जैसी है बट इसमें फर्क है फिट का और इसके कपड़े का इसका कपड़ा रिलेटिवली ज्यादा स्मूथ लगा मुझे बट इसका जो फिट है वो थोड़ा स्लिम है सो नाउ इफ यू हु वुड रादर वॉन्ट टू गो फॉर अ स्लिम फिट कार्गो दिस इज द दन विच बेटर दैन द ग्रे वन ब्लैक डार्क ग्रे ऑलिव टिपिकल कलर हैं कार्गो के और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्गोज डेफिनेटली उसी में लगती है वो जो मैस्किन और बहुत एजी वाइब आती है ना उन्हीं में आती है बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रेश थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखना है देन यू कैन ऑलवेज एड अ कलर लाइक दिस इन योर वोड्रोक विच इज अ ब्लू बिकॉज अगेन दिस इज ऑल्सो सेफ कलर बट इसको ज़्यादा ना स्टाइलिश दिखा सकते हो इफ यू एक्चुअली वेयर इट विद ऑफ कलर्स इन योर आउटफिट ओवरऑल स्पेशली इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और एक वो यंग वाइफ चाहिए देन अ लाइक दिस दिस ऑफ कलर पर्टिकुलरली इज गोइंग टू सूट यू वे बेटर इस कार्गो को मैं अपनी पिछली कारगोज वीडियो में भी दिखा चुका हूँ और इंस्टाग्राम पर भी काफी बार शेयर कर चुका हूं एंड फॉर दैट मैटर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज कार्गोज इन माई वॉर्ड्रोब फॉर द लास्ट टू टू थ्री मंथ्स अब चलते हैं थोड़े टिपिकल ट्रेंड्स और फैशन की तरफ ना द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज नॉट एक्सैक्टली इन द कॉटन बट ये डेनिम कार्गोज है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग हाईलाइट स्टिचिंग जो ये वाइट स्टिचिंग डिटेल्स देख रहे हो ना इसको हाईलाइट स्टिचिंग कहते हैं एंड इट इज़ नो न्यूज़ ये कितना ज़्यादा ट्रेंड में है चाहे एक छोटी फास्ट फैशन ब्रांड नॉट छोटी फास्ट फैशन बट एक नॉर्मल फास्ट फैशन ब्रांड हो या फिर एक लग्जरी ब्रांड हो ऑल ब्रांड्स आर मेकिंग हाईलाइट स्टिचिंग डिज डेज बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ हाईली इन ट्रेंड अच्छा इसकी एक चीज़ बता दूँ इसमें लिखा हुआ है बैगी फिट साइड पर बट ये बैगी फिट बिल्कुल भी नहीं है इनफैक्ट मैंने इस पर थर्टीन ही थर्टी टू मंगवाई ताकि मुझे थोड़ी सी ये लूज आती फ्रॉम द थाइज एंड द बॉटम पार्ट क्योंकि मुझे पता था कि ये वेस्ट से तो मेरे को डेफिनेटली लूज होने वाली है एम गोना गेट दिस फिटेड फॉर माई सेल्फ एवरी टाइम आई एम गोना स्टाइल दिस बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू डू दिस कि जो भी आपका रेगुलर साइज है उससे आप एक साइज़ ज़्यादा मंगवाना तब ये ज़्यादा अच्छी ओवरऑल फिट आएगी बट शायद आपको भी इसको वेस्ट के आसपास से थोड़ा ऑल्टर करवाना पड़े सो इफ एसमन कॉलेज गोइंग या फिर आपको फैशन और ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है देन दिस इज द वन दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर लास्ट कार्गो ऑन वाई लिस्ट अगेन हैज़ दैट हाईलाइट स्टिचिंग एंड देर आर हाई चांसेस कि आप में से काफी सारे लोगों के पास वो कार्गोज ऑलरेडी होगी इनफैक्ट जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमारे वीडियोग्राफर साहब हैं उन्होंने वो कार्गोज पहन रखे हैं द वन थिंग द वन कार्गो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दीज ब्लैक कार्गोज

नेवर गोज वेरी लाउड इट इज़ वेरी सटल एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम इसकी फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट क्योंकि इसका कपड़ा ना थोड़ा लाइट है ये कुछ वॉशिज़ के बाद इसका जो कलर है वो थोड़ा फेड होने लगता है तो या तो आप इसको कम दो ना रिलेटिवली बाकी अपनी कारगोज़ से या फिर जब भी आप इसको धुलवाना चाहो आप इसको ड्राई चेन करवा लेना उससे इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी इन सारी कारगोज़ के लिंक मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यू कैन चेक दम आउट